चलो बच्चा, केशव नंद भारती केस और क्या बच्चा, गवर्नमेंट ऑफ केरल या फिर बोलो बच्चा स्टेट ऑफ केरल डिस्प्यूट क्या था, समझते हैं बच्चा। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, एक जमाने में वो कितने हुआ करते थे, सेवन। एक जमाने में कितना हुआ करते थे, सेवन, ठीक है। छह फंडामेंटल राइट्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहला, राइट टू इक्वालिटी, देन फ्रीडम, देन एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, देन कल्चरल, एजुकेशन, देन टोटल चैरिटी। एक और था बच्चा, वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। एक्चुअली पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, पूरे सेवन हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था। लेकिन बच्चा अब क्योंकि आप जानते हो हमारा देश कब आजाद हुआ था, 19, तो हमारे देश में सब बुरा था, कुछ अच्छा बचा था क्या? ब्रिटिशर्स हमें लूट के जा चुके थे, ठीक है। लेकिन बच्चा अगर आपको थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी याद हो तो आपने नोटिस किया हो कि हमारे देश में स्टार्टिंग से ही मेजोरिटी चीजें क्या थी बच्चा, एग्रीकल्चर था, ठीक है। जमीन को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि यहाँ पे खेतियां बहुत होती थी। 75% बच्चा हम पूरा का पूरा बेस किसमें थे बच्चा, किसानों पे, एग्रीकल्चर पे, यही हुआ करता था। तो बच्चा हर स्टेट, हर राज्य क्या कर रहा था, अपने अपने एग्रीकल्चर को, अपनी जमीन को लेकर बच्चा बहुत रूल्स रेगुलेशंस बना रहा था। तो बच्चा उसी रूल्स रेगुलेशन की बात करूं तो बच्चा जो स्टेट, कौन सा बच्चा, केरल, जो स्टेट था केरला जो था, ठीक है, इस स्टेट ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उसने लैंड रिफॉर्म बनाए। इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म एक एक्ट आया बच्चा, इन्होंने एक एक्ट बनाया, एक्ट का नाम क्या था बच्चा, केरल का है क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट का है ना। अगर पूरी इंडिया का होता, पूरी इंडिया का होता तो केरला लिखा रहता है क्या, नहीं, ये पर्टिकुलर स्टेट का है। कौन सा स्टेट बच्चा, केरला। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट उन्होंने बनाया, कब बनाया बच्चा, 1963 में। एक्चुअली में उनका फोकस क्या था, एक्चुअली में उनका फोकस क्या था बच्चा, जमींदारी जो सिस्टम्स थे, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लेके आए थे उसको तो खत्म करना था। लैंड ओनरशिप को लेकर बात की जा रही थी, और किसकी बात हो रही थी बच्चा, टेनेंसी लॉ। व्हाट डू मीन बाय बच्चा, जमींदारी सिस्टम तो समझते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये दो नई चीजें हैं, लैंड रिफॉर्म, सॉरी लैंड ओनरशिप। होता क्या था बच्चा, सरकार ने बोला हम एक लिमिट तय कर देंगे, थोड़ा बहुत अगर याद हो लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग क्या पड़ा था, अपर लिमिट सेट कर दिया, वेरी गुड। केरल की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया भैया एक किसान के पास एक लिमिट तक, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला 1 एकड़, एक किसान के पास कितनी जमीन होगी, 1 एकड़। लेकिन आज की डेट में अगर आप सुनते हो तो एक किसान के पास 10-10 एकड़ रहती है, उन्होंने कहा 1 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसे उन्होंने लॉज बनाने चालू कर दिए। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बच्चा, लैंड की ओनरशिप धीरे धीरे किसको देना चालू कर दिया बच्चा, जो वहां पे काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा एक किसान ये है, इस किसान के पास 10 एकड़ है, मैंने इसके 9 एकड़ ले लिए, इसको 1 एकड़ छोड़ दिया, बाकी के 9 एकड़ मैंने क्या कर लिया, जरूरत, जिन किसानों को जरूरत थी बच्चा उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक तरीके से मैं क्या करती, लैंड की ओनरशिप चेंज कर रही थी, लैंड की ओनरशिप चेंज कर रही थी। अमीर किसानों से जमीन ले रही थी सरकार और किसको दे रही थी बच्चा, किसको दे रही थी, जरूरतमंदों को, गरीब किसानों को। ऐसे ही टेनेंसी लॉ, टेनेंसी मतलब किराए से देना, टेनेंसी मतलब क्या होता है बच्चा, किराए से देना। तो जमींदार किसान, बड़े किसान क्या करते थे बच्चा, किराए से दे देते थे। तो उनके लॉज में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए। तो इन शॉर्ट ओवरऑल आपको बस ये याद रखना है, केरल ने अपना एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आया, कब लेके आया बच्चा, 1963 में। तो जैसे ही जब वो ये एक्ट लेकर आए तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा केरल में एक मठ था, केरल में एक मठ था, मंदिर था बच्चा, बहुत बड़ा मंदिर था, जिसके पुजारी ये केशव नंद भारती थे, ठीक है। अब उस मठ की जो जमीन है वो भी बच्चा लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग लॉस में भी एप्लीकेबल हो रहा था, जिस कारण से बच्चा सरकार ने कहा कि अब हमारे कंट्रोल में आ गई है। तो केशव नंद भारती को उस मंदिर को चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती। अब बच्चा मंदिर बहुत बड़े लेवल में था, मठ बहुत बड़े लेवल में था, उसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे वर्कर्स लगे रहते हैं, उसकी साफ सफाई, उसका जो भी मैनेजमेंट होता है। तो इस मठ को चलने में बहुत दिक्कतें जा रही थी। तो फाइनली इन्होंने एज पर आर्टिकल आर्टिकल 32, व्हाट डू यू मीन आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब क्योंकि सेवन फंडामेंटल राइट्स थे उस टाइम पर, ठीक है, तो बच्चा सबसे लास्ट फंडामेंटल राइट क्या था, हमसे अगर हमारी कोई फंडामेंटल राइट छीनता है तो हम कहां जाएंगे, आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट। तो रिट पिटीशन फाइल करेंगे। तो भैया इन्होंने क्या कर दी बच्चा, रिट पिटीशन फाइल कर दी, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी, कहां पे कर दी बच्चा, सुप्रीम कोर्ट में। बच्चा अपने पास तो दो ऑप्शन होते हैं, हाई कोर्ट भी होता है, आर्टिकल नंबर किसमें होता है, 2, 6, 2, 2, 1, 2,
26 था ना, 226 था, 226 था, ठीक है चलो। हाई कोर्ट भी, ये भी, तो भैया इसने क्या कह दिया, भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, केस बहुत लंबा खिंच गया। एक्चुअली में बच्चा ये केस अच्छा खासा लंबा खिंच गया, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, एक्चुअल में दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। इन दोनों बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? इतने सारे अमेंडमेंट पड़े, अमेंडमेंट तो हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, कहाँ लिखा है बच्चा? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब ये था 368 में लिखा, ठीक है। दोनों ने कुछ कुछ अपनी अपनी बातें रखी। एक तरफ पेटिशनर था, कौन था बच्चा? ये केशवानंद भारती था। और एक तरफ कौन था बच्चा? पेटिशनर मतलब जिसने पेटिशन फाइल करी है, रिट पेटिशन, प्लेंटिव, वेरी गुड। प्लेंटिव कौन होता है? जो केस फाइल करता है। डिफेंडेंट कौन होता है? ठीक है बच्चा, बस टर्म्स चेंज होते जाएंगे। रिट के केस में मैं नॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ तो एक तरफ प्लेंटिव होता है और एक तरफ क्या होता है? डिफेंडेंट। लेकिन जब हम रिट फाइल करते हैं तो नाम बदल जाते हैं, नाम थोड़े से बदल जाते हैं। हम क्या बोलते हैं? पेटिशनर। पेटिशनर कौन? जिसने पेटिशन फाइल करी है। मैंने आपको बताया था ना बच्चा, कभी कभार डिफेंडेंट को क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो भैया केस फाइल किसने कर दिया? केशवानंद भारती ने, कि सरकार सही नहीं कर रही है, ठीक है। सरकार ने फिर क्या किया? अपने आपको डिफेंड किया, रिस्पॉन्ड दिया। चलिए, केशवानंद भारती बोलता है कि भैया आर्टिकल नंबर 368, यही 368 जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल नंबर 368 में जो पावर दे रखी है, ये पावर क्या है बच्चा? लिमिटेड। इन्होंने कहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि लॉ को बदला जा सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, लेकिन इसने बोला कि भैया लिमिट है इसमें, ऐसा थोड़ी ना कि भैया वो कुछ भी बदल दे। तो बच्चा उसने एक और बात करी, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है किसको बच्चा? एक सिटीजन के फ्रीडम को। हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या बच्चा? राइट टू प्रॉपर्टी भी उस टाइम पर हुआ करता था, आप हमसे ये नहीं छीन सकते। तो बच्चा एक्चुअली में हुआ क्या, तीन अमेंडमेंट लेके आई हमारी बच्चा सरकार। वापस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट आए बच्चा? तीन अमेंडमेंट आए उस टाइम पर। किस टाइम की बात हो रही बच्चा? किस टाइम की बात हो रही? 1963 में तीन अमेंडमेंट आए। चलिए वन बाय वन समझेंगे बच्चा। अगर आपने अपनी बुक में देखा होगा तो बुक में बच्चा डायरेक्ट जंप किया गया, पहला अमेंडमेंट बताया, फिर सेकंड बताया, फिर सीधा जंप करके 42। क्या सारे अमेंडमेंट बताए हैं क्या? नहीं, केशवानंद भारती के केस में इन तीन अमेंडमेंट का डिस्कशन किया गया। आइए 24th अमेंडमेंट की बात हो रही है, 25th की बात हो रही है, 29th की। चलिए 24th अमेंडमेंट बोलता है पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है। किस चीज की पावर है? अमेंड एनी प्रोविजन, शॉर्ट में लिखा है बच्चा प्रोविजन। अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को बदला जा सकता है। ये किसने इंसर्ट किया? अमेंडमेंट, लॉ को बदलाना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दे दी गई कि भैया हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। फिर बच्चा 25th में इनको बोला गया, 25th में बोला गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है बच्चा? कैन बी कर्टेल। व्हाट डू यू मीन बाय कर्टेल? रिड्यूस किया जा सकता है, छीना जा सकता है, लिया जा सकता है। इन्होंने कहा भैया राइट टू जो प्रॉपर्टी है, ये भी अमेंडमेंट से लाए। मतलब पहले आपके फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे, इन्होंने क्या बोला? अमेंडमेंट लाकर फंडामेंटल राइट, कौन सा वाला फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया, रिड्यूस कर देना, हटा देना, जो बोलना है बोलो। कर्टेल मतलब हटा दिया गया। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चा पहला अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या बोला? पार्लियामेंट क्या कर सकता है? अमेंडमेंट ला सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरे में लाकर इन्होंने क्या बोल दिया? अब हम तो हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वापस पहला लेकर आते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। उस टाइम की सरकार ने ये सब किया, ठीक है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी। फिर क्या सेकंड बोला इन्होंने? सेकंड क्या बोला कि भाई हम तो बदल सकते हैं, हमने तो 24th में क्या बोला था? हम लॉ बदल सकते हैं, तो चलो हमने लॉ बदल दिया। क्या लॉ बदला हमने? राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया। 29th अमेंडमेंट में क्या लेके आया बच्चा? लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया बच्चा। केरल ने तो अपना एक केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया था, इन्होंने क्या बना दिया बच्चा? इंडिया लेवल में लैंड रिफॉर्म एक्ट बना दिया, ठीक है। और शेड्यूल 9th बच्चा याद करो, पुराने शेड्यूल कितने थे? नए कितने थे? अगर तुम्हें सबसे पहला अमेंडमेंट याद हो तो उसमें 9 था, और किससे रिलेटेड बातें थी? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बातें। मतलब सारी चीजें गोल गोल है और उनकी पहले से ही प्लानिंग थी। एक्चुअली बच्चा हमारा मेजर पोर्शन जमीन है, एग्रीकल्चर है,
तो जमीन को लेकर पहले से ही हमारी सरकार कह रही थी कि भैया जमीन को बचाना है, किसानों को बचाना है, तो उसके लिए हम लॉ बनाएंगे, हम आपके फायदे के लिए बना रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए तो बना रही थी, लेकिन इसका प्रेशर किसको फील हो रहा था बच्चा? इस केशवानंद भारती को, क्योंकि वो जो जमीन है उस जमीन पे भी लॉ लग रहा था, जिस कारण से वो सरकार के कंट्रोल में आ गया। अब सरकार के कंट्रोल में आ गया तो जो भी उसका पैसा वैसा था वो एक तरीके से सरकार के पास जा रहा था, इनके पास नहीं आ रहा था, और नहीं आ रहा था तो ये अपने मंदिर को, अपने मठ को अच्छे से चला नहीं पा रहे थे। यहां तक ये समझ में आया? तो बच्चा पेटिशनर ने साफ साफ बोला कि भैया सबसे पहली बात 368 में लिमिटेशन दे रखी है। लिमिटेशन मतलब क्या? आप जो मन में आए वो बदल नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स आप ही लोगों ने दिए, क्यों दे रखे बच्चा? सिटीजन की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप 24th और 25th अमेंडमेंट लेकर आते हो और सिटीजन के क्या ले लेते बच्चा? फंडामेंटल राइट्स छीन लेते हो। ये तो एकदम गलत है। ये इन पंडित जी ने बोला, क्या उन्होंने जो बातें रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या ये बातें समझ में आ गई? इन्होंने कहा कि अपनी मनमानी नहीं करेंगे लॉ बदलने में, आपने हमें एक तरफ से फंडामेंटल राइट दिए पहले और फिर क्या कर लेते हो बच्चा? छीन लेते हो, तो ये मनमानी नहीं चलेगी। ये हमारे मठ के थाना पुजारी जी ने बोला। अब बच्चा सरकार क्या बोलती है? सरकार साफ साफ बोलती है कि सरकार ने बोला कि पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है। लेकिन पावर कैसी बच्चा? अनलिमिटेड, या फिर क्या लिखे बच्चा? एब्सोल्यूट पावर है कि वो क्या कर सकते बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते। ये किसने अपनी बातें रखी? सरकार ने रखी है ना, केरल की सरकार ने अपनी बातें रखी। पार्लियामेंट के पास हैज राइट पुट द रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको याद हो तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स जब भी बताया जा रहा था तो विद रिस्ट्रिक्शंस। हम जनरल लॉ क्या पढ़ रहे थे? आपके पास फंडामेंटल राइट है लेकिन साथ में एक्सेप्शंस पढ़ते थे, एक्सेप्शन तो ऑलवेज थे। तो इन्होंने ये बोला कि भैया हम आपको ये फ्रीडम्स तो दे रहे हैं लेकिन हमेशा फ्रीडम कैसे देते हैं? रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कभी भी हमने आपको एब्सोल्यूट तरीके से क्या फंडामेंटल राइट दे? फॉर एग्जांपल चलो फ्रीडम की ही बात करेंगे, कहीं भी इंडिया में घूम सकते लेकिन छीना भी तो जा सकता है, आप कुछ भी बोल सकते लेकिन कुछ बातों को बोला था ना मत बोलो, तो हमेशा तो रिस्ट्रिक्शंस थे। सरकार ने ये बात साफ साफ बोली कि हम जो ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो एकदम रीजनेबल बेसिस में लगा रहे हैं। इनका क्या मानना था कि हम जमीन में ये सारे लॉ क्यों बना रहे हैं? ताकि जमीन से किसका फायदा हो? ओवरऑल सरकार के पास पैसा आएगा और पैसे से सरकार क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर करती है। तो फाइनली बच्चा इन दोनों में डिस्प्यूट चला अच्छा खासा, अप्रॉक्स 68 मतलब 70 बोल सकते हैं, 68 टू 70 डेज इस केस के डिस्कशन में खतरनाक तरीके से लगे। बच्चा इसमें क्वेश्चन ये निकला क्या पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट को अमेंड किया जा सकता है? कैन पार्लियामेंट अमेंड दी? पार्लियामेंट अमेंड करके हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या बदल सकती है बच्चा? तो बच्चा इसमें 13 जजेस की क्या बैठी बच्चा? बेंच। बेंच क्या होती है बच्चा? कुछ नहीं, ग्रुप होता है। तो इसमें 13 जजेस बैठे, ठीक है। फाइनली डिसीजन आया, अब क्या होता है? 7, वेरी गुड। होता क्या बच्चा, कितने जजेस टोटल बैठे? 13 जजेस बैठे, सबने डिस्कशन किया कि भैया कौन सही है, सरकार सही बोल रही है या फिर केशवानंद भारती बात सही कह रहे हैं। तो वोटिंग कराई जाती है, प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है। तो 13 जजेस ने बैठ के डिस्कशन किया तो 7 लोगों ने बोला कि हाँ सरकार ने सही किया, हाँ सरकार ने सही किया। लैंड रिफॉर्म एक्ट वो लेकर आए हैं, ये एक्ट किसके फायदे के लिए बच्चा? सिटीजन्स के लिए, उन्हीं के फायदे। हम रिस्ट्रिक्शंस तो लगा रहे हैं ना, आप खुद देखो फंडामेंटल राइट्स आपको प्योर तरीके से कभी मिले ही नहीं। आपको अगर कोविड में घर बैठने को बोला गया तो किसके फायदे के लिए? आप अगर कल को केस करोगे तो कौन जीतेगा? सरकार ही जीतेगी। हम सरकार ने हमें बैठा दिया ना, तो कल को कौन जीतेगा बच्चा? सरकार। तो सरकार ने साफ साफ ये बोला कि भैया हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये, हमारे पास फुल पावर है अमेंड करने की, और दूसरी बात क्या, फंडामेंटल राइट कभी भी आपको पूरे से मिले ही नहीं थे, ऑलवेज रिस्ट्रिक्शन के साथ मिले थे। तो फाइनली बच्चा 13 जजेस बैठे, 7 ने फेवर किया और बाकी ने क्या किया बच्चा? अगेंस्ट किया। तो बच्चा फाइनली केस कौन जीतता है? हमारी सरकार जीतती है। और जो ये फंडामेंटल राइट्स हटा दिया गया था अमेंडमेंट कौन से थे, किससे बच्चा? 24th में क्या बोला कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पहले बोला कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं और अमेंडमेंट करके तुरंत दूसरा अमेंडमेंट क्या लेके आ गए कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हम आपसे छीन रहे। अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, रादर ये क्या बन जाएगा? लीगल राइट। 29th अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोल दिया कि शेड्यूल जो 9th है लैंड रिफॉर्म एक्ट में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो हमने कहां डाल दी बच्चा? शेड्यूल 9 में।
शेड्यूल नाइन में किससे रिलेटेड सारी बातें, जमीन से रिलेटेड सारी बातें, और जमीन से रिलेटेड जितनी बातें की उसके अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर किसान है, किसान के फायदे के लिए काम किया जा रहा है। तो फाइनली बच्चा ये तीन अमेंडमेंट भी है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन है बच्चा, लॉ बनाने वाली सरकार की बात, सरकार हो गया ना, पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर द बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। हाँ, इन्होंने कहा 25th और जो 29th जो अमेंडमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो अमेंडमेंट आई ये एकदम क्या है बच्चा, सही है, वैलिड है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कैन नॉट इंटरफेयर, लेकिन उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीके से बच्चा प्रीएम्बल में दे रखा है, उसे आप नहीं बदल सकते। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, लेकिन उसकी एक नींव है, उसका एक बेस है, वो बेस कहीं ना कहीं हमने प्रीएम्बल में बता के रखा है कि कोई भी चीज होगी वो क्या होनी चाहिए बच्चा, जस्टिस होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, भाईचारे की भावना से होनी चाहिए। तो उन बातों का बस ख्याल रखना, आप एक अच्छी सोच के साथ चीजों को बदल सकते हैं, बुरी सोच के साथ बदल नहीं सकते। तो फाइनली सरकार जीत गई और केशवानंद भारती केस हार गया, और फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, उसके बदले वो क्या बन गया बच्चा, लीगल राइट। क्या ये बात समझ में आ गई? दो मिनट बस मैं इसको कवर करूं बच्चा। इसमें मुझे बताओ क्या आर्टिकल नंबर 32 यूज हुआ था, कैसे? सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी थी केशवानंद भारती ने। क्या 25 यूज हुआ आर्टिकल नंबर, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस? वेरी 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 गुड। अब वो क्या कर रहा था, रिलीजियस मैटर देख रहा था अपने, अब उसमें उसकी जमीन की जरूरत पड़ रही थी, तो बच्चा ये भी यूज हुआ था। ये कह रहा था ना कि मैं अपने मठ को अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ, मैं अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझसे मेरे क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी भी छीन रहे हो और मेरी चीजों का मैनेजमेंट भी छीन रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। आर्टिकल नंबर 26 क्या था, पहले मुझे बताओ आर्टिकल नंबर 20 कहां से चालू, 24 क्या था, 24, 25, 26, 27 और 28। 25 क्या बोलता है, कोई भी रिलीजन। 26 क्या बोलता है, मैनेज कर। 27 चंदा एंड टैक्सेस जो भी था। 28 उसको प्रमोट करने के लिए, है ना। चल, तो इन्होंने बोला भैया हम किसी भी रिलेशन में फेथ कर रहे हैं, और 26 ये दोनों साथ ही में था, 25 26। तो एक्चुअल में बच्चा ये दोनों भी हिट हो रहे थे क्योंकि वो रिलीजन से रिलेटेड था, और साथ में आर्टिकल नंबर क्या था, 91F। क्या कुछ याद आया, राइट टू प्रॉपर्टी जो अब हट गया था, और आर्टिकल, तो ये सारी चीजों को क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। तो इस केस में ये सारे आर्टिकल हिट हुए थे। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा? बच्चा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ये बताऊं प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो ये क्या है बच्चा, 31 है। लेकिन बच्चा हर बंदे के पास फ्रीडम है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी रख सकता है, क्योंकि हमने फ्रीडम पढ़ी थी, फ्रीडम कुछ भी बोलने का, कहीं भी घूमने का, कहीं भी रहने का, कोई भी प्रॉपर्टी लेने का। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने का हक है बच्चा, 19(1)F। ठीक है, अब ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी क्या बताता है और डिटेलिंग बताता है, इन दोनों में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों पावर देते थे, दोनों को ही हटा दिया गया, दोनों फंडामेंटल राइट्स है, दोनों को ही लीगल राइट्स कर दिया गया। 44 एक बार मैं आऊंगी उसमें वापस, है ना, जहां वो रीड किया एक बार निकालो उसे बताऊंगी। डाउट था, सबने उठाया, सबकी आवाजों को दबा दिया गया, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम हो रहा था। सोशल वेलफेयर क्या था बच्चा, हमारे पास तो बहुत कुछ है, इक्वालिटी की बात जा रही थी। नहीं अब नहीं होता, खत्म हो गया, वो तो पहले था, प्रॉपर दिया जाता है प्रॉपर। लेकिन एक सरकारी रेट अलग होता है, एक मार्केट का अलग होता है। सरकारी रेट हमेशा कम होता है, कभी भी देखना, समझ लो रोड अगर निकाले, रोड आज यहां से निकालने का प्लान होगा तो ये भी जाएगा, लेकिन बच्चा वैसे पूछोगे तो करोड़ों में है इसकी कीमत, लेकिन सरकारी रेट से शायद बस लाख में ही, है ना, काम बन जाए। तो यस, सरकारी रेट कम होता है,
हाँ ये भी होता है, ये भी ऑप्शंस होते हैं, वो सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे नहीं छीन के रख लिया, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, लेकिन वो अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होता, मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चा? इन पे सवाल उठाए गए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सभी वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबके सब वैलिड है। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं लाना, मतलब है पावर, हम कह रहे चेंज करो, लेकिन ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर ना हिले, मतलब आप फायदे के लिए काम कर रहे हो, अपनी मनमानी पे मत बस उतर आना। ठीक है, वन बाय वन पूछो। पहले अमेंडमेंट लेकर आ गए थे, तभी तो उसने बोला, देखो उसने क्या बातें रखी कि भैया आपका जो ये अमेंडमेंट है ये एक तरीके से हमारे क्या कर रहा है, पहले अमेंडमेंट लाए लॉ लगा दिया, उनको दिक्कत हुई, तो दिक्कत होने के बाद उन्होंने केस किया कि भैया तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल है, लेकिन सरकार की बातें वैलिड है कि नहीं है? बच्चा अब मेरी बात समझो, फायदा तो है ना, क्या बस छीन के बोल रहे भग जाए यहां से? ऐसा तो नहीं कह रहे, दिया जा रहा है, और उस टाइम पर बच्चा मुझे बताओ अंग्रेज जा चुके हैं हमें बर्बाद करता है, पूरा का पूरा किसको संभालना है? सरकार के पास एक इंसान को देखना है, एक मंदिर को देखना है, पूरी जनता। तो हर स्टेट अपनी अपनी लॉ ला रही थी चीजों को ठीक करने के लिए, चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए, तो वो भी उस टाइम पे जरूरी था। इस कारण से राइट टू प्रॉपर्टी, उनको लगा कि अब ये बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा, फंडामेंटल राइट अगर हमने इसे बना के रखा तो हर कोई इंसान आज नहीं तो कल तो दिक्कत करेगा, और सरकार इसमें लैंड रिफॉर्म्स में चेंजेस नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसको फिर फंडामेंटल राइट से हटा कर उसे क्या बना दिया गया, लीगल राइट से बना दिया गया। ठीक है, मुझे पेज नंबर बताना बच्चा। अच्छा लिखे पीपीटी थी, एक बार देख लेती, 2 मिनट बस है ना। मुझे अब टॉपिक बताना ना, कौन सा टॉपिक है, आर्टिकल ऐसा हेडिंग दे रखी है क्या, फंडामेंटल राइट्स के नीचे ये सब हो गया था ना, एक मिनट रुक जाओ, ये फंडामेंटल राइट्स के नीचे। हाँ चलो चलो, कहाँ दे रखा है, सबसे नीचे, चलो प्रीवियसली यही ना, आर्टिकल 31 वॉज ऑल्सो बच्चा गारंटीड, पहले मिला करता था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिया गया फिर फाइनली इन केसेस के बाद, क्या खिचड़ी पक्की कि भैया इसको पूरे से हटा दो, क्योंकि आज बस केरल के स्टेट में ऑब्जेक्शन रेस किया जा रहा है, कल को क्या होगा, तो उन्होंने पूरे से हटा दिया, किसमें, 44th अमेंडमेंट में। कब बच्चा, ईयर क्या था, 1978। लेकिन बच्चा ध्यान दोगे आपके पीछे जो लिस्ट है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें दे रही थी, कुछ चीजें नहीं दी है, सीधा जंप किया। ठीक है, अपन को दोनों ही पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि पीछे उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें भी तो दी है, कुछ रिपीट है कुछ एक्स्ट्रा है, तो हमें ओवरऑल पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जो जहां अमेंडमेंट्स और सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चा, इस केस से रिलेटेड किसी को और कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब मुझ 44th में हटा दिया गया, समझना, इन्होंने क्या बोला कि बहुत डिस्कशन हुए, 24th क्या आया, 24th में क्या हुआ था बच्चा, बोला कि हम बदल सकते, फिर 25th में क्या बोला, राइट टू प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे, फिर 29th में क्या बोला उन्होंने, लैंड रिफॉर्म को डाल रहे, लेकिन फिर उसमें बहुत सारा झगड़ा झगड़ा हो गया, बहुत डिस्प्यूट हो गया है ना, बहुत सारे अमेंडमेंट आए, तो उन्होंने फाइनली क्या बोला, 44th से अब ये टोटली डिस्ट्रॉय, खत्म, अब इसका जिक्र तक भी नहीं करेंगे। तो फाइनल डिसीजन 44 में निकला था, 24th में तो बोला चेंज कर रहे हैं, और 25th में एक्चुअल में रियल, अगर मैं कर्टल का रियल मीनिंग बोलूं तो रिड्यूस होता है, वापस जो वहां पे कर्टल वर्ड यूज किया गया उसका रियल मीनिंग बोलूं तो क्या, रिड्यूस। तो 25th अमेंडमेंट से क्या किया गया था बच्चा, रिड्यूस किया गया था, लेकिन 44th में क्या बोला, पूरे से रिमूव। तो रिमूव और रिड्यूस में डिफरेंस क्या है, कम करना और ये पूरे से हटाना।
तो 25th में रिड्यूस और 44th में रिमूव किया गया। अब डिफरेंस समझ में आया बच्चा? लीगल राइट तो है ना, फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट को ही क्या कर दिया, रिड्यूस। हम जब चाहे क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। सारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड है, इन्होंने बोला ये भी फंडामेंटल राइट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, हम इसको और कम कर दिया। इन्होंने क्या बोला, सिटीजन के पास अब इसमें फंडामेंटल राइट की पावर क्या और कम है। लेकिन इनको लगा कि भैया एक केस था और बच्चा, बस एक केस नहीं था, आपके सिलेबस में अभी केशन भारतीय है, आगे एग्जीक्यूटिव में गोलकनाथ केस, ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत लंबे चौड़े केसेस है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑब्जेक्शन रेज होने लगे थे। तो फाइनली 44th अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, रिमूव ही कर दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं, ना बचेगा सांप और ना बचेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तो ये किया गया, क्या ये समझ आ गया? लेकिन पिटीशन फाइल किया हुआ है, अब केस आते आते टाइम लगेगा, पेंडिंग आना रहेगा, ठीक है, तो अभी चल रहा है। अब जैसे ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, या तो बोलेगा वही रहेगा, या तो क्या बोलेगा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी है। नहीं, वो क्वेश्चन मार्क डाल देते। देखो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमेशा कैसी होती है कि तुम लोग का इंटरेस्ट आ गया, अंदर पढ़ो, अंदर होगा कुछ और, बस वही 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 न्यूज़पेपर वाले वही करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली।